अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है नाउन क्लॉज को। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लॉजेस की टाइप्स को डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी हमने पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है उसकी फर्दर तीन इकसाम हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। आज हम नाउन क्लॉज को पढ़ेंगे। क्लॉज की डेफिनेशन हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। क्लॉज एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्लॉज कहलाता है। वो फिर आगे डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। नाउन क्लॉज चूंकि टाइप ही डिपेंडेंट क्लॉज की या सब ऑर्डिनेट क्लॉज की है, तो इससे पहले कोई ना कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगी। तो जिस सेंटेंस में नाउन क्लॉज होगी उसमें सब्जेक्ट वर्ब के दो कॉम्बिनेशन लाजमी तौर पर होंगे। एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट क्लॉज का होगा और एक ये डिपेंडेंट क्लॉज जो नाउन क्लॉज के तौर पे काम कर रही होगी उसका होगा। अ नाउन क्लॉज इज अ टाइप ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन सेंटेंस में क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का, तो नाउन क्लॉज भी वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास सेंटेंस है, आई लाइक हु यू आर। अब इसमें आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के दो कॉम्बिनेशन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द नाउन क्लॉज हु यू आर एक्ट्स एज अ सिंगल नाउन। जो ये पूरी नाउन क्लॉज है ये एक सिंगल नाउन के तौर पे एक्ट कर रही है यहाँ पे। स्पेसिफिकली द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक, जो ये वर्ब है लाइक इंडिपेंडेंट क्लॉज का, उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे ये नाउन क्लॉज काम कर रही है। अ नाउन क्लॉज कैन बी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको समझने के लिए, नॉन फाइनाइट क्लॉज बिगन्स विद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैविंग प्लस v3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होती है जो नॉन फाइनाइट क्लॉज होती है। फाइनाइट वर्ब इस किस्म की होती है जो अपने टेंस के साथ साथ चेंज होती रहती है। जो नॉन फाइनाइट होती हैं ये फिक्स रहती हैं, जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट, तो अपने टेंस के हिसाब से वो वर्ब्स चेंज हो जाती हैं। शी वॉश्ड क्लॉथ्स, शी वॉश्ड क्लॉथ्स, जो वर्ब अपने टेंस के साथ चेंज हो जाती है वो फाइनाइट कहलाती है। टू लीव द मैटर एट दिस पॉइंट वुड बी क्वेश्चनेबल। इसमें जो ये नाउन क्लॉज है ये फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट हो रही है और ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है इस सेंटेंस में। नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, और कौन सी नाउन क्लॉज है ये, नॉन फाइनाइट। फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, हुएवर रोट द एसे नीड्स ग्रामर लेसन्स। फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जब नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है किसी सेंटेंस में, तो उसमें नाउन क्लॉज वर्ब से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, हुएवर रोट द एसे नीड्स ग्रामर लेसन्स, जिसने एसे लिखा उसको ग्रामर लेसन्स की ज़रूरत है। नीड्स वर्ब है, ग्रामर लेसन्स ऑब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज का। डिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट है हुएवर, वर्ब है रोट। तो जिस भी सेंटेंस में नाउन क्लॉज यूज होता है, नाउन क्लॉज उसमें आया हुआ होता है, अंडरस्टूड बात है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का और एक डिपेंडेंट क्लॉज का। क्लॉज की डेफिनेशन ही यही है, उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब लाजमी होगा, तब ही वो क्लॉज कहलाएगी। अब इसी सेंटेंस को अगर हम रीफ्रेज करें, अली नीड्स ग्रामर लेसन्स, तो इस सेंटेंस में अली जो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है वही इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज काम कर रही है। ये पूरी नाउन क्लॉज एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे वर्क कर रही है। सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी तरह, हुएवर विंस द रेस गेट्स द ट्रॉफी। इसमें हुएवर विंस द रेस ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन क्लॉज, और यहाँ पे क्या फंक्शन है इसका, एज अ सब्जेक्ट। सेकंड, इसका जो फंक्शन है वो है एज अ
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल सेंटेंस है, माय डॉग ईट्स थिंग्स। इसमें माय डॉग सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये तो एक सिंपल सेंटेंस है और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो फिर हम नाउन क्लॉज को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे। माई डॉग ईट्स वॉट एवर फॉल्स ऑन द फ्लोर। यहाँ पे सिर्फ थिंग्स था, ईट्स थिंग्स, खाता है, क्या चीज़ें खाता है उनके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड हो गई है इस सेंटेंस में, और यहाँ पे ये एक पूरी क्लॉज बन गई है। इसमें ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, और इंडिपेंडेंट क्लॉज में ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, दो इसमें सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। मीन्स इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? नाउन क्लॉज, और वो वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। द नाउन क्लॉज ऑल्सो कंटेन्स द एडिशनल प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑन द फ्लोर विच ऑफर्स इवन मोर इंफॉर्मेशन। नो मैटर हाउ मेनी वर्ड्स और फ्रेजेस इट कंटेन्स, द नाउन क्लॉज स्टिल एक्ट एज ओनली अ सिंगल नाउन रिप्लेसिंग थिंग्स। अब ऑन द फ्लोर इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि नाउन क्लॉज कितनी बड़ी है, लेकिन वो वहाँ पे एक सिंगल नाउन के तौर पे ही यहाँ पे काम कर रही है, थिंग्स को रिप्लेस करके वो इस सेंटेंस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई है। एक नॉन फाइनाइट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही क्लेम्स टू बी एन एक्सपर्ट, वो एक एक्सपर्ट होने का क्लेम करता है। यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो टू बी से स्टार्ट हो रही है, तो ये नॉन फाइनाइट। एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही टोल्ड Whoever would listen her sad story. उसने बताया कि उसकी जो दुखी कहानी है वो कौन सुनेगा। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और whoever would listen, कौन सुनेगा, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। जब नाउन क्लॉज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करती है तो ये वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान में आती है। नेक्स्ट फंक्शन जो नाउन क्लॉज का है वो है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ये यूज होती है। ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाट ही वांट्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो प्रेपोजिशन इन आई है इसके फौरन बाद ये क्लॉज आएगी और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी। एक नॉन फाइनाइट नाउन क्लॉज की एग्जाम्पल देख लें। ही इंसिस्टेड ऑन सीइंग अली पर्सनली। यहाँ पे ये जो प्रेपोजिशन है ऑन, इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन क्लॉज यूज हुई है और ये नॉन फाइनाइट है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी से स्टार्ट हो रही है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज हो और वो सेंटेंस के स्टार्ट पे या एंड पे यूजली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो तो तब हम उसको जेरंड कहते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है एज अ कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। जो ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव होते हैं ये किसी सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज दैट ही हैज़ लेफ्ट द जॉब। खबर ये है कि वो जॉब छोड़ चुका है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में एक कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के तौर पे वर्क कर रही है ये नाउन क्लॉज। इस पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, बस ये सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर रही है। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे जो नाउन क्लॉज यूज़ होती है वो बी फॉर्म के बाद आती है। बी फॉर्म इज एम आर, वॉज बार वगैरह, ये सारी बी की फॉर्म्स हैं। इज दिस व्हाट यू वांटेड, इसमें जो व्हाट यू वांटेड है ये नाउन क्लॉज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के तौर पे काम कर रही है। हिज रीजन फॉर बींग लेट वॉज दैट हिज कैट गॉट सिक। उसके लेट आने की वजह ये थी कि उसकी बिल्ली बीमार हो गई। एक बात यहाँ पे जहन में रखें, रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज ऑफन ऑप्शनल। जो यहाँ पे इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज हुआ है ये अक्सर ऑप्शनल होता है और इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में इसी सेंटेंस को देखें। हिज रीजन फॉर बीइंग लेट वाज हिज कैट गॉट सिक। उसके लेट आने की वजह यह थी कि उसकी बिल्ली बीमार हो गई। यहाँ पे अब दैट नहीं लगा हुआ है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है
ये अक्सर औकात ऑप्शनल होता है, इसको हम उन केसेस में रिमूव कर सकते हैं। नाउन क्लॉज का जो नेक्स्ट यूज है एज एन एपोजिशन टू सब्जेक्ट, एपोजिशन क्या होता है? एपोजिशन इज द प्लेसमेंट साइड बाय साइड ऑफ टू कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स यूजुअली नाउन फ्रेजेस, द सेकंड ऑफ विच सर्व्स टू आइडेंटिफाई और रीनेम द फर्स्ट। इसमें दो आपस में जुड़े हुए एलिमेंट्स होते हैं, जो बात पहले चल रही होती है उसको ही दोबारा नए अल्फाज में रीनेम करके बयान कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, द सजेशन दैट ही शुड बी प्रमोटेड वॉज रिजेक्टेड। अब यहाँ पे सजेशन क्या है कि उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। द सजेशन वॉज रिजेक्टेड, कौन सी सजेशन? दैट ही शुड बी प्रमोटेड। तो इसी बात को नए अल्फाज में रीनेम करके वही बात दोबारा से रिपीट की जा रही है। यहाँ पे जो नाउन क्लॉज है वो एज एन एपोजिशन टू सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। नॉन फाइनाइट एग्जांपल देख रहे हैं, इसी प्रपोजल की बात हो रही है जो प्रपोजल दिया गया था सैलरी बढ़ाने का, तो यहाँ पे उसको दोबारा से रीनेम करके लिख दिया है, द प्रपोजल टू इनहेंस सैलरी वॉज एक्सेप्टेड। नॉन फाइनाइट नाउन क्लॉज वर्किंग एज एन एपोजिशन टू सब्जेक्ट। As an opposition to object, the government has taken the decision to ban plastic bags. Government फैसला कर चुकी है plastic bags को ban करने का। Government has taken the decision. Decision कौन सा है? To ban plastic bags. पहले से जो बात चल रही होती है first phrase में उसी को rename करके नए words में repeat करना उसको opposition कहते हैं। यहाँ पे जो noun clause है वो एज एन एपोजिशन टू ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? डिसीजन। कुछ मजीद एग्जाम्पल्स नाउन क्लॉज की हम देखते हैं। नाउन क्लॉज स्टार्ट होती है रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, दैट, विच, या इंडेफिनेट रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, हुएवर, होमएवर, व्हाटएवर, वेयरएवर, व्हेनएवर, विचएवर, या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं इफ, वेदर वगैरह, इनसे भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में जो क्लॉज मौजूद है वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को बोलने के बाद अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है क्या या व्हाट का क्वेश्चन आए, तो वो जो व्हाट का क्वेश्चन का आंसर करेगी वो नाउन क्लॉज होगी। ये इसको पहचानने का एक आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, Everyone can easily understand. हर कोई आसानी से समझ सकता है। इसको बोलने के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है ना, what, क्या, क्या समझ सकता है, तो उस what का जो आंसर करेगी वो नाउन क्लॉज करेगी। That you don't know the answer. हर कोई आसानी से समझ सकता है कि तुम जवाब नहीं जानते। That you don't know the answer, ये यहाँ पे क्या है फिर? नाउन क्लॉज है। क्योंकि अगर हम सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन से इसकी जो निशानी है वो याद रखें, तो अक्सर रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये जो रिलेटिव क्लॉजेज या एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं उनमें भी यूज़ होते हैं और नाउन क्लॉजेज में भी यूज़ होते हैं, तो इनको फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सी है और एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? तो अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज को बोलने के बाद जहन में व्हाट का क्वेश्चन आता है, तो उस व्हाट का जो आंसर मिलेगा हमें जिस क्लॉज में, वो नाउन क्लॉज कहलाती है। ज़्यादातर एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये जो अंडरलाइन क्लॉज की हुई है ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है। बहुत एडवांस लेवल पे आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे जो नाउन क्लॉज है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही है, सब्जेक्ट काम कर रही है, या सेंटेंस में क्लॉज कौन सी है और वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, वो सारा ही एट, उसने खाया, क्या, व्हाट ही वांटेड टू ईट, जो वो खाना चाहता था। व्हाट का आंसर करने वाली ये क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, क्या, व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू। आई डोंट रिमेंबर व्हेन ही लेफ्ट, आई डोंट रिमेंबर, क्या, क्या का आंसर हमें नेक्स्ट क्लॉज में मिला? When he left. ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा। आप एक दिन के 20 सेंटेंसेस ले लें, 30 ले लें, 50 ले लें, उनमें से आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सी है।
नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर ये देखें कि वो वहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, ऑब्जेक्ट के तौर पे कर रही है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर रही है। इस तरह प्रैक्टिस करने से आपको इस टॉपिक की क्लियर समझ आ जाएगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।